हे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हेयर कलर, जिसे हम ग्लोबल हेयर कलर भी बोलते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपली तरीके से बताऊंगा कि आपने कैसे कलर करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कलर करने से पहले, वो आप देख लो एक बार। तो जैसे कि मैं 4 नंबर करने जा रहा हूँ, क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग 4 नंबर सूट करेगा। सो 4 नंबर नेचुरल, ये वंडर कलर है, अमोनिया फ्री, ठीक है। इसके बाद है 20 वॉल्यूम, मैट्रिक्स का ही है ये भी। देन हमें चाहिए बाउल, ब्रश एंड कुछ क्लिप्स, कॉम, हमें ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बहुत से ग्रे हेयर है क्लाइंट क्लाइंट के, इसके लिए वंडर कलर बिल्कुल बेस्ट रहेगा। जैसे बहुत सारा ऑयल है स्किन में, हेयर में, तो सबसे पहले हम करेंगे शैम्पू। शैम्पू करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप कलर स्टार्ट करते हैं। शैम्पू के बाद आपने प्रॉपरली डिटेंगल फ्री करना है हेयर को, तो अच्छे से ड्रायर कर देना है। इसके बाद हम करेंगे 4 सेक्शनिंग, आपने अच्छे से 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है हेयर को। इसके बाद हम करेंगे कलर मिक्सिंग। आपने ग्लव्स पहने बिना ये कलर यूज नहीं करना है, ग्लव्स ऑलवेज पहले ग्लव्स वेयर करने हैं। जैसे कि इसकी रेशियो है, आपने 1:1 करना है, जितना हम कलर लेंगे उतना ही हम डेवलपर यूज करेंगे। आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है कलर एंड डेवलपर को, उसके बाद ही यूज़ करना है। सबसे पहले आपने इसे रूट्स पे यूज़ करना है। ऐसे ही आपने सभी सेक्शन पे सेम ऐसे ही कलर अप्लाई करना है। ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप कलर को अप्लाई करके रूट से एंड्स तक, तो ऐसे छोड़ देना है। सर्दियों में आप 1 घंटे तक छोड़ सकते हो, जैसे गर्मियों में इसे 35 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में आप वॉश कर सकते हो। तो इसके बाद मैं 1 घंटा छोड़ने वाला हूँ। 1 घंटा छोड़ने के बाद हम इसे प्रॉपर प्रॉपर वॉश करेंगे शैम्पू के साथ, इसके बाद हम कंडीशनर करेंगे। 1 घंटे के बाद, जैसे 1 घंटा हो गया है कलर अप्लाई किए हुए, अब हम करेंगे वॉश, ठीक है। तो जो इसका कलर है वो एंड से निकालना स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर को जाएंगे।
स्किन से अच्छे से मसाज करके आपने सारा का सारा कलर निकालना है पहले। सो अभी मैं स्पा ले रहा हूँ, स्पा करूँगा एक बार, तो इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, तो प्रॉपरली आपने मसाज कर देनी है एक बार यहाँ शैम्पू चेयर पे ही। आफ्टर शैम्पू एंड मैंने स्पा अप्लाई की, स्पा करने के बाद आपने हेयर को अच्छे से डिटेंगल फ्री कर लेना है। इसके बाद प्रॉपरली अच्छे से ड्राई करना है बालों को, तो इसके बाद हम करेंगे ड्रायर। सो अच्छे से ड्रायर करने के बाद आप हेयर को डिटेंगल फ्री कर सकते हो, या कोई भी स्टाइल बना सकते हो, या स्ट्रेट ड्रायर कर सकते हो, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। तो आप एक बार कलर का रिजल्ट देख लो। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल एंड नॉर्मल ग्लोबल कलर किया है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है ये, कोई करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद में हम और ज़्यादा एडवांस कलरिंग की ओर जाएंगे, जैसे कि हाईलाइट हो गया, बालेयाज हो गया, ओम्ब्रे हो गया, तो सभी तरह के कलर स्टेप बाय स्टेप हम इसी चैनल पे करेंगे। सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।